आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। सफीदों में नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सफीदों के विकास के नाम पर शुरू हुई इस जंग में अब विधायक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री बच्चन सिंह का नाम लिए बिना कहा कि आज टेक्नोलॉजी के नाम में खुद को व्हाट्सएप से दूर रखना पिछड़ेपन की निशानी है। आपको बता दें कि बच्चन सिंह आर्य ने सिंहपुरा में प्रोग्राम के दौरान कहा था कि कुछ लोग व्हाट्सएप पर प्रचार करते हैं। जसबीर देसवाल को सुनने से पहले आप पूर्व मंत्री का ये बयान सुन लें। दिखाई नहीं देंगे जो आप लोगों के बीच में नहीं थे, ध्यान रखना इस बात का। मेरे पे कहना नहीं आता, सर व्हाट्सएप ही बोल रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप तो चलता नहीं, ईमानदारी से कहता हूँ बंद है। थोड़े दिन चला था फिर मेरे समझ में नहीं आया कि व्हाट्सएप है। मेरे तो व्हाट्सएप, मेरे तो व्हाट्सएप हाथ जोड़ के कहता हूँ ये बेटे हमारे सारे से बड़ा व्हाट्सएप कौन है। ये व्हाट्सएप पता क्या है, यू व्हाट्सएप वो अमाम सापन है। जब बच्चन सिंह आ रही के खिलाफ उसने कुछ लिखा पाओ ना, नौजवान आपस में बता देना कि वो अमाम सापन है, वो गोरा होगा समझ गए ना। मामी बड़ा वही व्हाट्सएप है। तीन से मामला लियो रंग वो सारे घर जैसा अपना बल्कि चेहरा हो खराब हो जाए। बच्चन सिंह के इस बयान के बाद विधायक जसबीर देसवाल ने जो कहा वो भी आप लोग जरूर सुन लें। 25 साल से बकंदरा विधायक है उस पर व्हाट्सएप पर डालते हैं रोज, मगर काम करेंगे तो जब तो डालेंगे, तू डाल के देख ले व्हाट्सएप पर कुछ मिलता होगा। बोला मैंने कि व्हाट्सएप भी बंद करा के मकान पर डाल दिया, यू चलाना भी नहीं आता जसबीर देसवाल ने कहा हम काम करके प्रचार करते हैं। उन्होंने आर्य को चुनौती देते हुए कहा कि मेरे 4 साल और अपने 10 साल का विकास कार्य मिला लो, मेरे सामने बैठ हिसाब दे दो और अपना हिसाब ले लो। बना रही केक रहे इस पे व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए, कुछ डाल दिया, कुछ कुछ कुकर डाल दिया, एक एक चीज का रिकॉर्ड है हमारे पास, आके पूछ लो। और मैं एक अभी मीडिया पे मैं कहूंगा भाई सामने बैठ कर हिसाब ले लो, तू अपना दे दे। असली बात मीडिया के सामने बैठ, मैं अपना हिसाब दे हुआ 3 साल का, तू 25 साल का दे दिए, मेरा अलग देना। जसबीर देसवाल की इस चुनौती को बच्चन सिंह आर्य किस प्रकार से स्वीकार करते हैं ये उनके विवेक का मामला है, लेकिन चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप की जंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि लोगों से वोट मांगने से पहले क्या सचमुच नेता विकास कार्यों की लिस्ट जनता के सामने रखेंगे। सफीदों से सत्यदेव शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।